सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ट्रिपल आईटीज के ऊपर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है इंडिया में दो तरह के ट्रिपल आईटी हैं, एक आपका इंडियन है और एक आपका इंटरनेशनल है, ठीक है। अब इंटरनेशनल जो ट्रिपल आईटी है वो टोटल 5 है। पहला आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, उसके बाद ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों कॉलेज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है। आपके जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है और ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरह से कवर किया है वीडियो को। यहाँ पे आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो बाकी के जो 3 ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी पुणे हो गया, ट्रिपल आईटी पुणे को हाई स्क्वायर आईटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि यार पुणे में 2 ट्रिपल आईटी है, ठीक है। तो एक को ट्रिपल आईटी पुणे के नाम से जाना जाता है और एक को आई स्क्वायर आईटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आपका इंटरनेशनल वाला है उसको आई स्क्वायर आईटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर और ट्रिपल आईटी नया रायपुर। ट्रिपल आईटी नया रायपुर ज़्यादा नहीं, 5-6 साल हुए होंगे ट्रिपल आईटी नया रायपुर को, ठीक है। तो हम इस वीडियो में प्लेसमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे कि यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, क्या वर्थ इट प्लेसमेंट है, एक कि आप जितना फीस पे कर रहे होते हो उतना आपको प्लेसमेंट मिल रहा होता है या नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो मेनली फोकस हमारा प्लेसमेंट के ऊपर होगा, साथ में कुछ ट्रिपल आईटी एनआईटी से भी कंपेयर कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और उससे पहले अगर इस चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो इस चैनल पे। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी पुणे और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर और आपका ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ठीक है। तो हम ये तीनों कॉलेज का कवर कर रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी पुणे का बिल्डिंग है, बादलों से घिरा हुआ। बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। अगर इसकी रैंकिंग एंड स्टैट्स की बात करें तो ये कॉलेज ट्रिपल आईटी पुणे हाई स्क्वायर आईटी जो है आपका 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। कैंपस साइज की बात करें तो 10 एकड़ का कैंपस है और ये आपका राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क पुणे में सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, ये आपका आईटी सेक्टर में कॉलेज है, तो उसकी वजह से यार काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, तो वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। और ये कॉलेज आपका AICTE के द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है। वही हम अगर IIT भुवनेश्वर की बात करें, आप देख सकते हो ये इसका बिल्डिंग है, ठीक है, मेन बिल्डिंग है। इसकी रैंकिंग एंड स्टैट्स की बात करें, ठीक है, ये ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है जो आपका इस्टेब्लिश 2006 में हुआ है और इसका कैंपस आपका 50 एकड़ का कैंपस है। सारे ट्रिपल आईटी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आते हैं, ठीक है, और ये आपका भुवनेश्वर ओडिशा में सिचुएटेड है। UGC के द्वारा अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वही अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर स्टैब्लिश्ड की बात करें तो 2015 में स्टैब्लिश हुआ है, काफ़ी नया ट्रिपल आईटी है आपका और इसकी 50 एकड़ की कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। कैंपस के अंदर आपको वाईफाई, ठीक है, सारे कनेक्टिविटी आपको मिल रही होगी, काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटी मिल रहा होगा, ठीक है। ये तीनों आपके जो ट्रिपल आईटी है ना, ये सारे नए हैं तो इसलिए आपको काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन ट्रिपल आईटीज़ में मिल रही होगी, लाइक हॉस्टल का हो गया, कैंटीन का हो गया, मेस का हो गया, ठीक है, लैब्स वगैरह हो गए, ठीक है, इन सब में आपको काफ़ी मॉडर्न फैसिलिटी मिल रही होगी। और ये कॉलेज आपका UGC और AICTE, ठीक है, दोनों से अप्रूव्ड है। एडमिशन एंड स्ट्रीम ऑफर की बात करें हाई स्क्वायर आईटी का, तो मोस्टली यार सेम है तीनों कॉलेज की, कि आपको 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में, ठीक है, ये तीनों कॉलेज का सेम है। वैसे मैं PDF डाल दूंगा तीनों का, ठीक है, आप वहां से जाके भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मेन पॉइंट जो होगा हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे, हाई स्क्वायर आईटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, या तो आप MST CET में एक अच्छा रैंक स्कोर करके या फिर JEE Main के द्वारा। अगर यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो 20,000 के आसपास जो CSE का कट ऑफ होता है वो आपको देखने को मिलेगा और ECE का 25,000 के आसपास आपका जनरल का कट ऑफ है। बाकी IE² IIT में आपको जो कोर्सेज देखने को मिलेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अंदर 60 सीट है और 120 सीट है। यहाँ की फ़ीस की बात करें तो 1.5 लाख पर एनम ये आपका ट्यूशन फीस है, ठीक है। तो यहाँ का फीस अगर देखें बाकी दोनों ट्रिपल आईटी या फिर IIT हैदराबाद, IIT
बेंगलोर के कंपैरिजन में तो बहुत कम है यहाँ का फीस। ठीक है, आपको 1.5 लाख पर एनम पड़ रहा होगा। टोटल स्टूडेंट की बात करें यहाँ पे, अगर सारे कोर्सेज मिला के देखें फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक, तो अभी 809 है। ठीक है, 809 यहाँ पे आपको मोस्टली जो है आई स्क्वायर आईआईटी में महाराष्ट्र के स्टूडेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी अदर स्टेट की बात करें तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से यार डाइवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं है इस कॉलेज की। वहीं अगर बात करें ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर की एडमिशन एंड स्ट्रीम ऑफर की बात करें, तो यहाँ पे जो 50% सीट है वो ओडिशा स्टेट वालों के लिए रिजर्व है। अगर ये इस कॉलेज में एडमिशन की बात करें तो आप जेई मेन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो थ्रू जोसा काउंसलिंग। अगर आप ओडिशा स्टेट के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ट्रिपल आईटी द्वारा जो काउंसलिंग कंडक्ट होता है उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप जोसा के थ्रू नहीं जा सकते, बाकी अदर स्टूडेंट जो हैं वो जोसा के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे कोर्सेज आपको अगर बीटेक की बात करें तो सीएससी मिलेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, सीई मिलेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, दो कोर्स है यहाँ पे, सीएससी है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और एक आपका सीई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद ईसीई है, ईटीसी है और आईटी है। तो मेनली जो आपका ब्रांच है ना वहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा। एमटेक में भी आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मिलेंगे। वहीं अगर डॉक्टरल पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो सीएससी का मिलेगा, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, तो इस तरह के कोर्स आपको पीएचडी में मिलेगा। टोटल स्टूडेंट की बात करें यहाँ पे, अगर बीटेक के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर की बात करें तो 1100 से 1200 स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें ट्रिपल आईटी नया रायपुर की एडमिशन एंड स्ट्रीम ऑफर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ भी यार सेम है, 50% मार्क्स आपको ट्वेल्थ में होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक प्रोग्राम के अंदर ऑल इंडिया कैटेगरी और एनटीपीसी कोटा, दो तरह के कोटा है। जो आपका जोसा के थ्रू एडमिशन होगा, 30% जो सीट है यहाँ का वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व है, 50% जो यहाँ का सीट है वो एनटीपीसी के जो इम्प्लॉय हैं उनके लिए रिजर्व है सीट यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपके पेरेंट्स अगर एनटीपीसी में इम्प्लॉयड है 15% सीट उनके लिए रिजर्व्ड होते हैं, बाकी 50% सीट रिजर्व है छत्तीसगढ़ स्टूडेंट के लिए जो 10th और 12th वहाँ से पास आउट हुए हैं। बाकी अगर बात करें ट्रिपल आई टी नया रायपुर की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीटेक के साथ साथ एमटेक का भी कोर्स देखने को मिलेगा और पीएचडी का भी कोर्स देखने को मिलेगा। कट ऑफ की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो अगर सीएस में देखें तो अराउंड 26,000 के आसपास आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट राउंड 2020 का कट ऑफ है, ठीक है, बाकी सेकेंड और थर्ड राउंड तक यहाँ का कट ऑफ जाता है, और एक आपका स्पेशल राउंड भी होता है सीसीएफ के थ्रू। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का है कट ऑफ। उसके बाद डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 32,000 के आसपास रैंक होना चाहिए 32 के, और ईसीई की बात करें तो 37 के आपका रैंक होना चाहिए। इसके आसपास अगर रैंक है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें आई स्क्वायर आईआईटी पुणे की, तो टोटल 97 स्टूडेंट जो हैं प्लेस्ड हुए थे 180 स्टूडेंट में से, ठीक है, ये आपका 2020-21 रिसेंटली का डाटा है, और एवरेज पैकेज देखें तो 3-4 LPA है। तो यहाँ का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, यहाँ आपको जो प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो हाईएस्ट भी 8-10 के आसपास ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आपको इस रैंक पे कोई और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। वहीं अगर 19-20 की बात करें तो 177 स्टूडेंट में से 115 स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगी है, और उस टाइम यार मीडियम सैलरी पैकेज 4.1 थी, 4.1 LPA। तो आप यहाँ से यार गेस कर सकते हो आपका जो मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होता है वो या तो 3 होगा या 4 LPA या 5 LPA, ठीक है, इतना तक आपका लग सकता है मैक्सिमम, ये सिक्योर आपका प्लेसमेंट है, बाकी यार वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। बट अभी तक यार हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे नहीं लगी है, लाइक आपको जो अगर किसी कॉलेज में देखने को मिलता है 30 लाख का, 48 लाख का, 48-52 LPA, ठीक है, इस तरह का पैकेज अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हो सकता है यार फ्यूचर में क्या पता यहाँ से प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, बट यहाँ पे यार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये कॉलेज आपका पुणे में सिचुएटेड है, ठीक है, पुणे सिटी यार सबको पता है। वहीं अगर ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की, ठीक है, अगर यहाँ की टोटल इंस्टीट्यूट फीस देखें, ठीक है, फीस की पहले बात कर लेते हैं, तो वो 10 लाख के अराउंड यहाँ पे फीस आने वाला है सिर्फ आपका ट्यूशन फीस। वहीं अगर हॉस्टल एंड हॉस्टल मेस की बात करें तो ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आप वन सीटर रूम ले रहे हो तो आपको 12,000 पर, अगर आप थ्री सीटर रूम ले रहे हो तो आपको 12,000 पर
सेमेस्टर पे करना पड़ सकता है। उसके बाद डबल सीटर रूम है, ट्रिपल सीटर रूम है, ठीक है, वो 12 से 24,000 है आपका, तो आप पे डिपेंड करता है हॉस्टल फीस। और अगर मेस की बात करें तो वो 2,250 रुपये, ठीक है, 2,250 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको लगने वाला है मेस फीस। वहीं यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है, ठीक है, जिसको या GB स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। टॉप 3 स्टूडेंट को हर ब्रांच के, ठीक है, बीटेक के अंदर या जितने ब्रांच है उसके अंदर यार दिया जाता है। ये अपने ब्रांच में टॉप 3 में आते हो, अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको 20,000 पर एनम मिलेगा, अगर आप सेकंड आते हो तो आपको 15,000 पर एनम मिलेगा, आप अगर थर्ड आते हो तो आपको 10,000 पर एनम ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बाकी अगर प्लेसमेंट की देखें, ठीक है, 2017-18-19 की देखें, ये लास्ट थर्ड ईयर की प्लेसमेंट अगर देखें तो यहाँ की मीडियम सैलरी जो थी वो अराउंड 3.5 LPA था, ठीक है, ये मीडियम सैलरी पैकेज, यानी आपको 3 से 4 लाख पैकेज आराम से लग जाता था यहाँ पे। बट अभी यार प्लेसमेंट में काफ़ी सुधार आया है, ठीक है, अगर लास्ट ईयर की देखें, 2020 वाले बैच की देखें प्लेसमेंट, CS के अंदर यार M.Tech वाले जो कोर्सेज हैं उनके अंदर यार हाईएस्ट 9 LPA गया है, और सबसे ज़्यादा यार CTC, सबसे कम CTC इन्फोसिस के द्वारा दिया गया है 3.6 LPA। वहीं अगर B.Tech CS के अंदर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 44 LPA का पैकेज दिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉलेज में यार आपको हाईएस्ट पैकेज भी मिले हैं, बट वो 2020 में मिले हैं, 2019 में यार नहीं मिले थे हाईएस्ट पैकेज इतना, वो अराउंड 8 से 10 के आसपास ही रहता था, बट अभी रिसेंटली यार 44 LPA का पैकेज मिला है। और सबसे कम जो पैकेज ऑफर किया गया है वो, ठीक है, माइंडट्री के द्वारा, TCS के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा, ठीक है, 3.6 LPA पे। B.Tech ETC की बात करें तो 10 LPA हाईएस्ट पैकेज रहा, और अगर IT की बात करें ना तो यहाँ पे 15 LPA हाईएस्ट पैकेज रहा था, और इन्फोसिस TCS महिंद्रा 3.6 LPA, तो आप देख सकते हो लोएस्ट जो है आपका 3.6 LPA है। B.Tech CE की बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो अमेजन के द्वारा 30 LPA का पैकेज यहाँ पे दिया गया, तो प्लेसमेंट की यार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी सही है, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप के अंदर कितने स्किल्स है, ठीक है, आप कितने अच्छे हो उस फील्ड में, तो उस तरह का प्लेसमेंट यार आपके लिए हर कॉलेज में रखा होता है। ऑन कैंपस रिक्रूटर्स की बात करें, 2020 में यार 28 कंपनीज़ यार, ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट दिए स्टूडेंट को। बाकी 2013 से 16 के देखे तो आप देख सकते हो आपका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, तो कॉलेज यार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट के लिए। वही अगर देखें यहाँ पे अमेजन के द्वारा तो 3 स्टूडेंट को प्लेसमेंट दी गई थी 30 लाख की, ठीक है, 30 लाख पर एनम की। ये पूल्ड कैंपस है, पूल्ड कैंपस यार बेसिकली सेम होता है, ठीक है, ऑन कैंपस के टाइप ही होता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो, बस इतना समझ लो यार ऑन कैंपस ही है। वहीं अमेजन के द्वारा 15 लाख पर एनम 5 स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया, ठीक है, ये आपका सपोर्ट इंजीनियरिंग डाटा है, और ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है। वहीं क्लिक लैब्स के द्वारा 5 और 12 लाख का पैकेज दिया है 2 स्टूडेंट को। हैकर रैंक के द्वारा 18 लाख का पैकेज 2 स्टूडेंट को मिला है। वहीं वीज़ा के द्वारा 15 लाख का पैकेज 1 स्टूडेंट को मिला है। तो प्लेसमेंट यहाँ की यार काफ़ी सही है, काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कॉलेज। वहीं अगर IIIT नया रायपुर का प्लेसमेंट देखें, ठीक है, पहले फ़ीस देख लेते हैं यार, यहाँ का फ़ीस भी यार 10 से 12 लाख आपको पड़ने वाला है, ठीक है, पूरा 4 साल का फ़ीस है, तो आपकी B.Tech की डिग्री 10 से 12 लाख में हो जाएगी। एवरेज पैकेज 2020 की देखें तो 7 से 8 लाख ही यहाँ का एवरेज पैकेज है, तो काफ़ी कम है, ठीक है, आप 10 से 12 लाख पे कर रहे होते हो, 7 से 8 लाख आपको मिल रहा होता है, तो उसके हिसाब से यार कम है, बट अपॉर्चुनिटी यार आपको यहाँ भी मिल रही होती है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का भी 43 LPA है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बाकी आप प्लेसमेंट स्टैटिक्स 2016 और 20 का देख सकते हो, तो एक्चुअली ये कॉलेज यार काफ़ी नया कॉलेज है, ठीक है, 2016 से यहाँ पे बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो अभी फर्स्ट बैच ही पास आउट हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से यार प्लेसमेंट देख सकते हो, फर्स्ट बैच को अगर इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है तो कॉलेज यार काफ़ी मेहनत कर रही है अपने आप में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है स्टूडेंट को, तो ये काफ़ी सही बात है यार कॉलेज की। मे बी यार आने वाले 4 से 5 सालों में कॉलेज काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो CSE में 38 स्टूडेंट जो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे और प्लेस्ड 38 हो गए, यानी 100% यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो है। वही EC में 18 स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड थे प्लेसमेंट में और 18 स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल गई, ठीक है, 56 स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे प्लेसमेंट में और 56 को प्लेसमेंट मिली फर्स्ट बैच में ही यार, इतने लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा दी, ये काफ़ी अच्छी बात है यार IIIT नया रायपुर के लिए। 100% आप यहाँ पे कह सकते हो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। अब ये यार एक स्टूडेंट था, उनको यार 6 मंथ इंटर्नशिप ऑफर किया गया है
निविडिया लैब्स, ठीक है, US में, कैलिफोर्निया में भी ये प्लेस्ड हो जाएंगे उस कंपनी में ही। काफ़ी अच्छी सैलरी इनको यार हो सकता है मिले, ठीक है, ऐसा न्यूज़ में आया था। ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्टेड हुआ अमेरिकन एक्सप्रेस AI लैब में, तो काफ़ी सही है यार, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यार प्रोवाइड करवा रही है कॉलेज। 12 स्टूडेंट आर विजिटिंग अब्रॉड फॉर 6 month प्रोजेक्ट। 16 स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन डेलॉइट USI कंसल्टिंग। 2 स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन अमेरिकन एक्सप्रेस। 4 स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन कॉलेजेस। 4 स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड एट DRDO फॉर 6 month मेजर प्रोजेक्ट। तो यार आप देख सकते हो यार, IIIT नया रायपुर फर्स्ट बैच में ही यार इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है स्टूडेंट को, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट दे रही है, तो यार काफ़ी सही बात है। वहीं अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ में यार IIIT और IIT NIT की अगर कंपेयर करें ना, तो IIIT उनमें यार बहुत कम है, बहुत कम यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह में, इवेंट्स वगैरह में, ठीक है, आपके जो फेस्टिवल हो रहे होंगे, फेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, तो उसमें यार उतनी अच्छे नहीं है IIIT। बट अगर एकेडमिक्स की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, तो उसमें यार IIIT तो कह सकते हो उसमें यार अच्छा है IIIT। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर IIT का यार काफ़ी सही है, क्योंकि ये आपका पुणे में सिचुएटेड है, ठीक है, आसपास के लोकेशन भी आपको बहुत सही मिल रहे होंगे, कैफेटेरिया है, सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी, स्पोर्ट्स एंड रिक्रेशनल फैसिलिटी। तो ये स्पोर्ट्स वगैरह उतने अच्छे नहीं मिलेंगे आपको IIIT में, क्योंकि यार देखो यार एक तो स्टूडेंट कम होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट कम होते हैं, जिसकी वजह से यार, ठीक है, बहुत कम लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में, कल्चरल इवेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो काफ़ी कम स्टूडेंट होने के कारण बहुत कम लोग इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो IIT NIT वाला फील नहीं आने वाला है आपको IIIT में, ठीक है, किसी भी IIIT में चले जाओ। वही फैसिलिटी अगर IIIT भुवनेश्वर की बात करें तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम वगैरह काफ़ी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ की लैब्स वगैरह की बात करें तो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग लैब्स, IOS OSX लैब विथ एप्पल कंप्यूटर्स, डाटा सेंटर लैब, ठीक है, तो यहाँ की लैब्स वगैरह यार रिसर्च की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, तो सारे आपको मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिल रहे होंगे इन सारे कॉलेज में, कैफेटेरिया है, हॉस्टल फैसिलिटी, ठीक है, तो हॉस्टल काफ़ी मॉडर्न मिल रहा होगा यहाँ पे आपको, वॉशिंग मशीन, प्रेसिंग आयरन, हॉस्टल लाइब्रेरी, मॉडर्न एंड हाइजेनिक मेस, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, कल्चरल इवेंट्स, ठीक है, तो मैंने डिस्कस कर लिया कल्चरल इवेंट्स IIIT के अच्छे क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कम होते हैं, ठीक है, अब उनमें से यार सब इंटरेस्टेड नहीं होते यार उन सब चीज़ों में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यार उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको हॉस्टल के अंदर, ठीक है, कैंपस के अंदर रिस्ट्रिक्शन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। और अगर वही IIIT नया रायपुर की बात करें फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो यहाँ की भी फैसिलिटी यार काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी सही है यहाँ की, कैफेटेरिया, मेस, ठीक है, ये सारे चीज़ें मिल रहे होंगे, मेस के अंदर आपको वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों मिल रहे होंगे, सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी में यार आपको, ठीक है, एक बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा, एक गर्ल हॉस्टल मिलेगा, बाकी दो हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हो सकता है 1-2 साल लगे उनको बनने में, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है, ठीक है, जिम की बात करें तो हर हॉस्टल के अंदर यार अपना एयर जिम फैसिलिटी है, ठीक है, विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, ओपन थिएटर, ठीक है, ओपन थिएटर मिलेगा, ऑडिटोरियम भी मिल जाएगा। तो अगर बात करें वाई स्टूडियो ज्वाइन IIT पुणे, तो यार जितने भी IIIT यार सबका सेम ही मोटिव है, वो रिसर्च बेस्ड कॉलेज बनाया गया है, ठीक है, फैकल्टी यार काफ़ी अच्छे मिलेंगे यहाँ की, पढ़ाई वगैरह यार काफ़ी सही मिल रही होगी, ठीक है, अगर आप किसी और प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर करो, ठीक है, यहाँ पे मैं टॉप IIT की कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है, इन तीनों कॉलेज की रिसर्च एंड इनोवेशन का अपॉर्चुनिटीज़ आपको इन तीनों IIIT में मिल रहे होंगे, ठीक है, बाकी आप प्रोफेसर भी देख सकते हो, ठीक है, सारे प्रोफेसर आपको IITs के मिलेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो यार PhD IIT खड़गपुर से कर रखे हैं, PhD बिट्स मिश्रा, PhD IIT BHU, तो यार तीनों IIIT के सेम ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो अगर आप इन तीनों में से चूज़ करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, IIIT नया रायपुर, क्योंकि यार आप देख सकते हो यहाँ की प्लेसमेंट यार फर्स्ट बैच में ही यार कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, IIIT भुवनेश्वर की तरफ जा सकते हो, फिर IIIT पुणे, क्योंकि IIIT पुणे में यार अभी तक उतनी हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को नहीं मिली है आपको, जो लगभग जो प्लेसमेंट है वो 7-8 के अराउंड ही है, ठीक है, बाकी यार मैं यही कहूँगा लास्ट में कि डोंट गो विथ माई डिसीजंस, ठीक है, हो सकता है आपके लिए यार वो कॉलेज बेस्ट हो, ठीक है, आप जिसमें जाना चाहते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो पाई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी कुछ भी डाउट आ रहा हो कॉलेज को लेके, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको किसी कॉलेज के ऊपर रिव्यू वीडियो चाहिए तो वो भी यार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कुछ पर्सनल डाउट सॉल्व करना है, ठीक है, जेई मेन के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह चाहिए तो नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, नहीं तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ भी पूछ सकते हो। आप अगर इनमें से किसी ट्रिपल आईटी में जा रहे हो तो वो भी यार नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।